हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 11 की दूसरी हेडिंग, बोरान की प्रवृत्ति तथा असंगत व्यवहार के बारे में। ध्यान समझिएगा, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बोरान की प्रवृत्ति तथा असंगत व्यवहार। समूह 13 के तत्वों के रासायनिक व्यवहार का अध्ययन करने पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। ठीक है, समूह 13 के तत्वों के रासायनिक व्यवहार का अध्ययन करने पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। इस समूह के सभी तत्वों के ट्राइक्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड सहसंयोजक प्रकृत होने के कारण जल अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, इस समूह के सभी तत्वों के ट्राइक्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो हैं सहसंयोजक प्रकृत के होते हैं और वे जल अपघटित हो जाते हैं। बोरान के अतिरिक्त अन्य सभी तत्वों के चतुष्फलकी स्पीसीज तथा अष्टफलकी स्पीसीज जली विलयन में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, बोरान के अलावा अन्य सभी तत्वों के चतुष्फलकी स्पीसीज MOH4- और अष्टफलकी स्पीसीज MH2O6+ जली विलयन में उपस्थित रहते हैं। तत्वों के एकलक, तत्वों के एकलक जो हैं ट्राइहैलाइड, तत्वों के एकलक ट्राइहैलाइड इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण, इलेक्ट्रॉन कमी होने के कारण प्रबल लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। तत्वों के एकलक ट्राइहैलाइड इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण प्रबल लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। लुईस क्षार जैसे कि अमोनिया आदि एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके ऐसे यौगिकों के केंद्रीय परमाणु पर अष्टक पूर्ण करते हैं। तत्वों के एकलक ट्राइहैलाइड जो हैं इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण प्रबल लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। लुईस क्षार एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके ऐसे यौगिकों के केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण करते हैं। जैसे आप देखें F3B, यह आपका NH3 है जो कि लुईस क्षार है, यह अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को इसको देगा और इसका अष्टक पूर्ण करेगा। बोरान में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, बोरान में डी कक्षक अनुपस्थित होते हैं, डी कक्षक नहीं पाए जाते हैं, फलतः इसकी अधिकतम संयोजकता 4 हो सकती है। चूंकि एल्युमिनियम और अन्य तत्वों में डी कक्षक उपस्थित होता है अतः इसकी अधिकतम संयोजकता 4 से अधिक हो सकती है। अधिकांश अन्य धातु हैलाइड जैसे कि AlCl3 सेतु बंध हैलोजन परमाणु द्वारा द्विफलकी हो जाते हैं। ठीक है, अधिकांश अन्य धातु हैलाइड जो हैं वे ब्रिज बांड के द्वारा सेतु बंध हैलोजन परमाणु द्वारा द्विफलक हो जाते हैं, जैसे Al2Cl6 में। इन धातु यौगिकों में सेतु बंध हैलोजन अणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर अपना अष्टक पूर्ण करता है। ठीक है, तो अधिकांश अन्य धातु हैलाइड सेतु बंध हैलोजन परमाणु द्वारा द्विफलकी हो जाते हैं। इन धातु यौगिकों में सेतु बंध जो है हैलोजन अणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करता है। जैसे यह आप देख सकते हैं, यह आपका है Al2Cl6 जिसमें ब्रिज बांड है, सेतु बंध के द्वारा यह बना है जो हैलोजन परमाणु इसको जोड़े हुए है। ठीक है, यह दो क्लोरीन है जो इनको जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप पढ़ रहे हैं दूसरी हेडिंग, बोरान की प्रवृत्ति और संगत व्यवहार के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि समूह 13 के तत्वों के रासायनिक व्यवहार का अध्ययन जब हम करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। इस समूह के सभी तत्वों के ट्राइक्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड जो हैं सहसंयोजक प्रकृत होने के कारण जल अपघटित हो जाते हैं, जबकि बोरान के अतिरिक्त अन्य सभी तत्व चतुष्फलकी स्पीसीज और अष्टफलकी स्पीसीज जली विलयन में उपस्थित रहते हैं। तत्वों के एकलक ट्राइहैलाइड इलेक्ट्रॉन न्यून होने के कारण प्रबल लुईस अम्ल के समान व्यवहार करते हैं, लुईस क्षार एक इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर ऐसे युग्मों के केंद्रीय परमाणु पर अष्टक पूरा करता है।
जैसे आप देख रहे हैं ये एफ थ्री भी है, ये आपका लुइस चार एमोनिया अपना लोन पेयर इसको दे देगा और इस तरह से जुड़ जाएंगे। बोरान में डी कक्षक अनुपस्थित रहता है जिसके कारण इसका अधिकतम संयोगता चार हो सकती है, चूंकि एल्युमिनियम तथा अन्य तत्वों में डी कक्षक उपस्थित होते हैं अतः इसकी अधिकतम संयोगता चार से अधिक हो सकती है। अधिकांश अन्य धातु हैलाइड सेतुबंध हैलोजन परमाणु द्वारा द्विफलकी हो जाते हैं। इन धातु यौगिकों में सेतुबंध हैलोजन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका बोरान की प्रवृत्ति तथा असंगत व्यवहार के बारे में। थैंक यू।